वही केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी ने टमाटर ले जाने वाली एनसीसीएफ वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में टमाटर के दाम 70 से 80 रुपए किलो हैं, इसलिए हमने तीन मंडी से टमाटर खरीद कर दिल्ली के 18 सेंटर में आज 60 रुपए किलो टमाटर भेजने का निर्णय किया है। आज हम ये करने जा रहे हैं। आज 15,000 किलो टमाटर भेजा जा रहा है और हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे। एक आदमी एक किलो ही टमाटर ले सकता है, ये सुविधा दिल्ली एनसीआर में है। 7 से 8 दिन में वैसे बाजार में दाम कम हो जाएंगे, लेकिन तब तक हम भेजते रहेंगे। स्पेशली मेजर सेंटर में, मेजर सिटीज में, स्पेशली दिल्ली में 70 रुपीज से लेके 80 रुपीज तक आज के दिन में है। इसलिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमने तीन मंडी से, एक तो आजादपुर मंडी और कर्नाटक के कोलार और संगानेर, ये तीन मंडी से खरीद के 18 सेंटर में, दिल्ली के 18 सेंटर में आज हम 60 रुपीस पर केजी टोमेटो बेचने का निर्णय किया है। इससे पहले मोदी जी के सरकार जो पीएसएफ शुरू किया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, उससे पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उपयोग करके हम नॉर्मली अलग अलग सेंटर में अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, नहीं तो रिटेल शॉप में भी हम जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसको हमने नॉर्मली सेल करते हैं कम प्राइस में, लेकिन इसमें हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी उपयोग नहीं किया है। मंडी से जो मिला है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके हम 60 रुपीज पर केजी हम इधर सेल करने का व्यवस्था किया है, बेचने का व्यवस्था किया है।